दिल्ली शराब नीति घोटाले में फंदा अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कस गया है। पहले से ही आम आदमी पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद नंबर दो रहे मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज की। उसके कुछ ही घंटे के बाद ईडी ने केजरीवाल को समन भेज दिया। केजरीवाल को 2 नवम्बर को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनका बयान पीएमएलए के तहत दर्ज किया जाएगा और इससे पहले सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल को शराब घोटाले में समन भेजा था, लेकिन यह पहला मौका है जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पेश होने को कहा है। अरविंद केजरीवाल के समन के बाद दिल्ली सरकार को लेकर सवाल उठने लगे, अगर ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करती है तो फिर क्या होगा। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पहले से ही जेल भेजे जा चुके हैं। आप जानते हैं मनीष सिसोदिया की भी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। ईडी का अब यह समन और इस बात की चिंता तभी से सताई जा रही थी कि जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता पहले से ही जेल में हैं। पूर्व स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले साल 30 मई से जेल में हैं। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो पिछले 8 महीने से तिहाड़ जेल में हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। सिसोदिया अब कम से कम 3 महीने तक बेल की अर्जी नहीं दे पाएंगे, तो इतना तो तय है कि इनकी दिवाली तो काली हो गई। ईडी ने आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार सांसद और प्रवक्ता संजय सिंह को भी 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। अब केजरीवाल की पेशी का सुमन भी आ चुका है। अरविंद केजरीवाल को ईडी के सुमन पर सियासत हाई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि पार्टी को खत्म करने की साजिश चल रही है। वहीं दिल्ली के मंत्री आतिशी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया। आतिशी ने कहा कि 2 नवंबर को केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। आतिशी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल से डरते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बना बनाकर, झूठे आरोप लगा लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। सवाल यह है कि आखिर ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत है। इसका जवाब आपको ईडी की चार्जशीट में मिलेगा। इस चार्जशीट में कई जगह अरविंद केजरीवाल का नाम आया है। शराब घोटाले में अब सरकारी गवाह बन चुका दिनेश अरोड़ा ये कबूल करता है कि उसने केजरीवाल से उनके घर पर ही मुलाकात की थी। वहीं इस घोटाले के मुख्य आरोपी विजय नायर ने ईडी के सामने कहा था कि उसने फीस टाइम पर समीर महेंद्रू की केजरीवाल से बात कराई थी। इस मामले के एक और आरोपी अरुण पिल्लई ने कहा था कि वो केजरीवाल और सिसोदिया की सहमति से काम कर रहा था, तो बुच्ची बाबू ने केजरीवाल के साथ तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का भी नाम लिया था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस सांसद मंगुटा श्रीनिवासलु रेड्डी केजरीवाल से मिले थे। वहीं सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने अरविंद केजरीवाल के घर पर शराब घोटाले से जुड़ी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का ड्राफ्ट सौंपने का दावा किया था। दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को नटवर लाल करार दिया, तो दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जवाब देते हुए कहा आम आदमी पार्टी को खत्म करने की यह साजिश है।
मालूम थी कि देश के लिए आपको सर्वोच्च बलिदान देना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि आपको देश की खातिर सब कुछ देना पड़ेगा। और हमारे नेता हूँ या कार्यकर्ता हूँ, जेल जाने से कोई नहीं डरता है। इतना साफ है कि अब केंद्र सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि किसी तरीके से भी बाय हुक बाय क्रुक आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए। आम आदमी पार्टी से सबसे ज़्यादा परेशान है केंद्र सरकार। जितने हमले आम आदमी पार्टी पे हुए उतने हमले आज तक भारत के इतिहास पे किसी में नहीं हुए। तो अब सिर्फ ये मंशा है कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए। 170 मुकदमे किए गए हमारे विधायकों के ऊपर, कोई नहीं टूटा। कोई टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना होने के लिए तैयार है, ना शामिल हुआ। तो अब ये है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाए, इनके बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जाए और आम आदमी पार्टी को समाप्त किया जाए। कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलीना लगातार झूठ बोल रहे थे कि पैसे का कोई सबूत नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये बताता है कि 338 करोड़ रुपए के सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच हो रही है। और इससे एक बात और स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल भगत सिंह नहीं है, नटवर लाल है। अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है, चोर है, भ्रष्ट है और शराब घोटाले के तार दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि तिहाड़ के अंदर जो लोग अब तक गए हैं उनके बाद जो जाने वाले हैं उनमें केजरीवाल का RAC 1 है, वेटिंग लिस्ट 1 है और तिहाड़ का टिकट कभी भी कंफर्म हो सकता है। तो आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना, आपने कपिल मिश्रा को भी सुना। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ गए हैं। शहजाद जी, आपने सुना सौरभ भारद्वाज को? वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। देखिए, मैं तो सौरभ भारद्वाज जी को अगस्त 2022 से सुन रहा हूँ, तब से ही वो कह रहे हैं कि हमें खत्म करने की साजिश है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी साजिश में शामिल है? सुप्रीम कोर्ट ने कल विंडिकेट किया है एजेंसीज के काम को ये कहते हुए कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भ्रष्टाचार शराब घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल डिनाई की है। संजय सिंह और विजय नायर को भी हफ्तों और महीनों तक बेल नहीं मिल पा रही है। तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब इनके खिलाफ है, तो कोर्ट इनकी बात क्यों नहीं मानता? दूसरी बात, ये स्कैम फॉर केजरीवाल, बाय केजरीवाल एंड ऑफ केजरीवाल है और इस पूरे स्कैम के सरगना, मास्टरमाइंड, किंग पिन अगर कोई है तो वो केजरीवाल जी है। और ये मैं नहीं कह रहा, इनके नए नए जो साथी बने हैं ना अरविंद केजरीवाल जी के, कौन? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी कहती है कि देखिए, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों ने भ्रष्टाचार किया है और ये है उसका प्रमाण। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने घूस ली है। ओपन एंड शट केस है, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी की साथी भी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है? और आखिरी बात, ये कोर्ट के सामने आ चुका है कि जो पॉलिसी बदली गई, शराब नीति बदली गई, 2.5% से 12% कमीशन हुआ, वो केजरीवाल के संज्ञान में, मौजूदगी में उसके घर पे हुआ। जो प्राइवेट सेक्टर को होलसेल दिया गया धवन कमेटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकर, वो केजरीवाल के संज्ञान और उनकी मिलीभगत से हुआ। जिस प्रकार से विजय नायर को इंट्रोड्यूस कराया गया समीर महिंद्रू को, इंडो स्पिरिट्स के मालिक के साथ फेसटाइम कॉल पर, ये भी प्रमाण आ चुका है। और अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो अगस्त 2022 से लेकर अब तक FIR पोस्ट क्यों नहीं हुई? अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो अभी तक किसी को राहत क्यों नहीं मिली? ठीक है शहजाद जी, आपने जैसे सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, जस्टिस संजीव खन्ना को भी मैं कोट करते हुए आपसे पूछती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसी ने हमारे ज्यादातर सवालों का उचित जवाब नहीं दिया और अगर जवाब दिए भी तो भी सीमित तरीके से दिए। 17 अक्टूबर को जज की ओर से क्या कहा था वो भी आपको याद होगा कि अगर इसी तरीके से अपराध से आय का को ठीक तरीके से अगर डिटेल में साबित नहीं किया कि मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई और कैसे हुई, तो मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप साबित करना जांच एजेंसियों के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। अगर ये कहा भी गया है किसी संदर्भ में, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राहत देने से मना किया है मनीष सिसोदिया को। अच्छा, ये छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ, CBI कोर्ट ने मार्च 2023 में ऑब्जर्वेशन नहीं, फाइंडिंग के रूप में बताया है कि जो शराब घोटाला हुआ है उसके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से कहा है कि ये जो अनर्गल आरोप ईडी पर लगाकर आप कहते हैं कि पॉलिटिकल मोटिव्स है इनके काम करने के पीछे, उसको स्थापित आप कर नहीं पाए हो अपनी दलीलों से।
ये लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स है कि किस प्रकार से विजय नायर से लेकर मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए की घूस ली है और किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को गया और चुनाव में इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी फाइंडिंग्स कोर्ट के द्वारा ही दी गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को और इन सारी फाइंडिंग्स को जब आप सामूहिक दृष्टि से देखते हैं तो पता चलता है कि आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान है। यदि ऐसा नहीं होता तो कोर्ट इनको राहत दे देता। क्या कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है? कोर्ट में इनको विश्वास रखना चाहिए। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आज आम आदमी पार्टी कहना चाहिए उनको कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में क्या कहते थे, फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, मतलब पहले जांच से पहले भी हम इस्तीफा मांगते हैं। आज जब कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके बावजूद भी रेजिग्नेशन नहीं आ रहा है। आज अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और बताना चाहिए कि किस प्रकार का सियासी धर्मांतरण उन्होंने किया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से चले थे, आज जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन कर रहे हैं, बार बार क्लीन चिट देते हैं उन लोगों को जिन्हें कोर्ट कहती है कट्टर बेईमान। आपने बड़ा आरोप लगाया इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, अब ये पार्टी बदल चुकी है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार भी जुड़ गए हैं। जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन हो गई आपकी पार्टी, कुलदीप जी? मीनाक्षी जी आवाज थोड़ी कट गई थी, आप दोबारा एक बार। शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुए थे, जस्टिस फॉर करप्शन शुरू हो गया है। देखिए जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन, अभी अभी सहजाद जी ने पता नहीं आप क्या क्या झूठ परोस दिया होगा, आपके चैनल पे मौका ढूंढते हैं, कोई देरी से जुड़े तो कुछ भी परोस दो। मैं दो तीन बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि सहजाद पूनावाला और इनकी भारतीय जनता पार्टी जिससे आते हैं, इनके नेता जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका बस एक ही एजेंडा है, वो किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाले, आम आदमी पार्टी को किसी भी तरह के आरोपों में फंसाकर आम आदमी पार्टी को खत्म करें। और ये बात मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे तथ्य है पूरे, क्योंकि मोदी जी को ये बात पता है कि जब 2014 के अंदर पूरे देश भर में मोदी जी परचम लहरा रहे थे, राज्य दर राज्य जीतते हुए आ रहे थे, 2015 में इसी दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दी, 3 भारतीय जनता पार्टी को दी। मोदी जी को बड़ा गुस्सा आया, भाई ये कैसे हो गया, मैं पूरे देश में परचम लहरा रहा था, दिल्ली में ऐसा कैसे हो गया। 2020 से फिर दिल्ली में चुनाव हुए, मोदी जी ने खूब रैलियां करी, अमित शाह जी ने खूब पर्चे बांटे, उसके बाद भी दिल्ली में भाजपा को मिली 8 सीटें, आम आदमी पार्टी को 62 सीटें। उसके बाद इन्होंने एनसीडी में सब कुछ कर लिया, इन्होंने खूब डिलिमिटेशन किया, इन्होंने खूब जोड़ तोड़ किया, खूब तोड़ फोड़ किया, चुनाव टाल दिए, सब कुछ करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एनसीडी नगर निगम में हार गई, पंजाब के अंदर हम जीत गए। तो इनको ये पता है मोदी जी को कि अरविंद केजरीवाल जी वो शख्सियत है, वो व्यक्ति है जो कट्टर ईमानदार है, जिनके साथ देश के रूप का जुड़ाव है। बीजेपी को आपने हराया दिल्ली में, इसमें कोई दो राय नहीं, पंजाब में भी आप जीते, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के अगर सीनियर लीडर्स इसी तरीके से जेल जाते रहेंगे तो आपकी पार्टी की स्थिति क्या होने वाली है कुलदीप जी? वो तो चिंता का विषय है ना पार्टी के लिए। देखिए जब इस देश में इमरजेंसी लगी थी ना तो तब भी बहुत लोग जेल गए थे, बहुत लोगों को जेल में रहना पड़ा था। आज जब इस जेल में रह के कैसे चुनाव लड़ेंगे? नहीं सुनिए, इस देश में अघोषित आपातकाल है तो उस आपातकाल के अंदर आज प्रयोग किया जा रहा है ईडी और सीबीआई का। और ईडी और सीबीआई क्या करती है? ईडी और सीबीआई वहां पहुंच जाती है जहां तक भाजपा नहीं पहुंच पाती है, जिन स्टेट में भाजपा नहीं जीत पाती है वहां ईडी और सीबीआई को भेजा जाता है, जिस पार्टी को खत्म कर रहा है ईडी और सीबीआई। मैं इसलिए आपको टोक रही हूं क्योंकि शहजाद बहुत देर से एक स्क्रीन पर कांग्रेस का कमेंट दिखा रहे हैं और ये ईडी और सीबीआई का कमेंट नहीं है, ये इंडिया अलायंस में आपके पार्टनर कांग्रेस का कमेंट है। देखिए जी मैं कमेंट पढ़ लूं एक बार, केवल एक लाइन में कमेंट करके सुना दीजिए, केवल एक लाइन। आपने इतना मौका शुरू में दिया, बड़ा मजेदार रोचक मामला है, आपको इनवाइट किया था, कम से कम आप तो हमारे साथ न्याय करें। बिल्कुल न्याय होगा, केवल एक लाइन में कमेंट करके सुना दे। मीनाक्षी जी बड़ा रोचक मामला है, छत्तीसगढ़ में जहां पर शराब घोटाला हुआ है ईडी ने कार्रवाई की है, वहां पे आम आदमी पार्टी ने कहा है ईडी अच्छी कार्रवाई कर रही है, भूपेश बघेल को अरेस्ट करो, और दिल्ली में अजय माकन कहते हैं केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट करना चाहिए। ये क्या गजब गठबंधन है, वो वहां पे कहते हैं ईडी सही काम कर रही है बघेल को गिरफ्तार करो, ये यहां पर कहते हैं ईडी सही कर रही है ये केजरीवाल को गिरफ्तार करो, ये एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा मान्यवर आपातकाल है तो कोर्ट भी आपातकाल में शामिल है, कोर्ट ने 8 महीने से मनीष सिसोदिया को विजय नायर को 1 साल से नहीं दी, संजय सिंह को हफ्तों से नहीं दी। देखिए आपने भी सुना होगा, अभी सहजाद ने कहा कि भाई बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही। सहजाद जी आपको तो पता होगा, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति है,
जो पीएमएलए का कानून है वो ये कहता है कि जब तक ट्रायल पूरा ना हो, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 6 महीने में ईडी और सीबीआई अपना ट्रायल पूरा करे, और अगर नहीं करते 3 महीने में तो दोबारा मनीष सिसोदिया बेल एप्लीकेशन के लिए आए, और उससे पहले बेल नहीं मिल सकती है, ये भी आप समझ लीजिए। तो मतलब ये है कि जो पीएमएलए कानून है, जो उसको शक्तियां मिली हुई है ईडी को, उसका दुरुपयोग आज भाजपा के कहने पर ईडी और सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने के लिए, उनको फंसाने के लिए। लेकिन मैं आपको कह रही हूं, ये केजरीवाल जी के साथ नहीं है, अगला नंबर हो सकता है। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। कुलदीप जी आपका भी, शहजाद जी आपका भी बहुत शुक्रिया।